हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को और सभी पेरेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मोशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आप लोग देखिए एक बार। सबसे पहली बात, मेरा नाम विपिन जिंदल है और मैं पिछले एट ईयर से इस फील्ड में, यानी कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो इसके साथ देखिए एक बात यह है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जा रहा है ड्यू टू द पैंडेमिक ऑफ द कोरोना, हम सबको पता है कि अभी जो हालात हैं और आगे भी जो हैं, थोड़े से अभी हम कह नहीं सकते, कोई श्योरिटी नहीं है कि आगे क्या होता है या क्या नहीं होता है। तो अभी जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं प्रेजेंटली, उसके लिहाज से जो है ये बहुत बेनिफिशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर करेंगे। इसके लिए हमने मोशन एकेडमी की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो वो आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप वहाँ से पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा और सारे कोर्सेज, जो भी वीडियोस हैं, जो भी आप एयरफोर्स के लिए लेना चाहते हो या नेवी के लिए या फिर एनडीए के लिए, वाट एवर यू वांट, सीडीएस, एफकेट, जो भी डिफेंस से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स हैं, वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है, तो सारे आपको वहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे आज हम जो मेनली बात करने वाले हैं, वो बात हम लोग करेंगे सिलेबस की, कि हमारा जो है एनडीए के लिए हम बात करें तो उसमें क्या सिलेबस आता है और किसके रिगार्डिंग हम लोग सारी बात करने वाले हैं, कि किस टॉपिक से पर्टिकुलरली कितने क्वेश्चंस आते हैं या क्या वेरिएशंस रहता है, कि कौन सा टॉपिक कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। कभी कभार ये भी होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन सब बहुत सारे क्वेश्चंस में आती है। लाइक सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री की अगर ऐसे हम काउंट करने बैठे तो लगभग छः सात क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में भी लगभग चार टॉपिक पढ़ते हैं। वो मैं भी सारा डिस्क्राइब करूँगा पूरे सिलेबस में। तो हम उन्हीं जो छः सात प्योरली जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं उसके ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री को निपट सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डिटर्मिनेंट में भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में भी आता है। सब जगह पे हमें नीड होती है ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। लाइक मान लो डिटर्मिनेंट की बात करें, तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी पूरे मैथमेटिक्स में हमें कहीं भी नीड हो सकती है कि हम जो है डिटर्मिनेंट को सोल्व करें। तो अनटिल और अनलेस अगर हमको डिटर्मिनेंट के बारे में पता नहीं है तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मिक्स टॉपिक्स होते हैं, मिक्स इनकी जो है थ्योरी होती है कि कहीं भी हमको कोई टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें कहीं यूज़ करना है। तो कभी कभार ये भी हो जाता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उससे कम है, लेकिन फिर भी वो टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग सब देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। हालाँकि 11th 12th का पूरा सिलेबस इंक्लूडेड है अपना, तो सबको आता है, सबने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन लेवल पर हम बात कर रहे हैं कि एनडीए के लिहाज से जो 11th 12th में फॉर्मेट होता है वो नहीं है अपना। यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे बिल्कुल अलग रहेगा, यूपीएससी एनडीए कंडक्ट करवाएगी, तो सारी बात यूपीएससी की होगी। तो इस जगह पे हम जो बात करने वाले हैं वो सारी क्वेश्चंस ही करेंगे, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से हार्ड लेवल के आते हैं क्वेश्चन, या फिर अपन कहें कि ये टॉपिक ऐसा है जिससे ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो सारी बात मैं आपको बताता हूँ। देखो आप एक बार, सबसे पहली बात, देखो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ये जो है अपन ने सिलेबस थोड़ा सा स्लाइड्स बनाई है, तो आप लोग पहले देखिए। इससे पहली बात, सबको पता है कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है एनडीए एग्ज़ाम, तो एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी तो उसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन जो होता है फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स का होगा, उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, और 2.5 घंटे का टाइम हमें मिलता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, तो हमें ये पूरा पेपर करना होता है 2.5 घंटे में। अब बात समझना, मैं उसी एनालिसिस को सबसे पहले यहाँ पे लेके चलता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंस इस पेपर का है, कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर तो ये है, और सेकंड पेपर जो है पेपर फर्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट है अपना ये मैथमेटिक्स का, और मैथ्स का होने के साथ साथ सेकेंड बात 300 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, और टाइम है अपना 2.5 आवर्स।
ये तो पेपर फर्स्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, इसी में देखो अगर हम बात कर लें पेपर सेकंड की भी, एक बार हम पेपर सेकंड की भी बात कर लेते हैं। पेपर सेकंड, इसकी सारी बात आप लोगों को सब मिलेंगी, सारी फैकल्टीज जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज जो हैं वो आपको अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेगी। तो ये बात अपन वहाँ पे सारा है। पेपर सेकंड के लिए मैं बता दूँ जो जो सब्जेक्ट्स हैं अपने, एक तो जीएस है, जीएस मतलब जनरल साइंस, नहीं जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल स्टडीज़ का मतलब सारा तो जीके वाला सेक्शन आ चुका है अपना इसमें, और जीके प्लस इसमें अपन ले लें जनरल साइंस, जीके प्लस जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो जीके प्लस जनरल साइंस, और एक अपना रहेगा यहाँ पे इंग्लिश। तो ये सेकंड पेपर की बात है। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखो एक बार इस जगह पे आप लोग ध्यान से सुनना बात। पेपर फर्स्ट मैथ्स, ये पेपर फर्स्ट जो है मैं इसलिए कर रहा हूँ ये बात कि पेपर सेकंड में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं पेपर सेकंड में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं वैसे भी पेपर फर्स्ट ही पढ़ाने वाला हूँ, और पेपर फर्स्ट जो है फर्स्ट ही सब कुछ है। अगर इसकी बात अगर फिट नहीं है दिमाग में तो इसको कितना ही कर लो इससे मतलब नहीं निकलेगा। रीज़न इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर आपका क्लियर होता है देन ये चेक होगा। अनटिल और अनलेस यू विल नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, यू विल नॉट क्लियर द फर्स्ट पेपर, सेकेंड विल नॉट बी चेक्ड, सेकेंड पेपर चेक नहीं होगा। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस मैं बताना चाह रहा था कि ये जो है नंबर ऑफ मार्क्स तो इसके हैं ही हैं, और साथ साथ में इसको क्लियर करना ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं है और आपका सेकंड पेपर क्लियर हो गया है तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ्स का पेपर तो क्लियर होना ही होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखोगे। अब बात सुनना देखो बहुत ध्यान से, और बहुत मैं किस तरह से आपको बात समझाना चाहता हूँ। सिलेबस तो हम लोग करेंगे ही, सिलेबस से पहले पेपर में हमें किस तरह से सारी चीज़ें करनी होगी वो बात समझना देखो, कि पेपर में हम किस तरह से मेनली सारी बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 300 मार्क्स का पेपर है अपना, 120 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, 300 मार्क्स का पेपर है, और 300 मार्क्स का पेपर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 120, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 120, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स हो गए 2.5, एक क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स कितने हो गए 2.5। सेकंड बात, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझते हैं, सब लोगों को पता है इतना तो हम लोग करते ही हैं। हालांकि बोर्ड लेवल पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है, सब्जेक्टिव पैटर्न चलता है, बट यहाँ पे इतने से सब समझ रहे हैं अपन कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया है अगर वो राइट होता है तो वेल एंड गुड, मुझे 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर वो रॉन्ग होता है तो रॉन्ग होने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो मार्क्स मिलने वाला था 2.5 वो तो नहीं मिलेगा, वो तो गया ही गया, और साथ में ये अपने जो पहले के प्लस वाले मार्क्स थे उनमें से -1/3 कर देगा। मतलब 1/3 किसका कर देगा? 2.5 का, 2.5 का क्या कर देगा? लगभग लगभग आधा। तो अगर मैं बात करता हूँ देखो, ये 2.5 मार्क्स की बात है तो 2.5 मार्क्स मान सकते हैं, तो 1/3 की बात करोगे तो लगभग लगभग 0.728 ये मार्क्स अपना यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली और मेन बात हमने यहाँ पे क्या समझी है, कि सबसे पहली और मेन बात तो ये है कि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे तुक्काबाजी बहुत कम करनी है। क्या समझ में आई अपने को? कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होने की वजह से हम लोग कम से भी कम हम 75% जो है श्योर हों क्वेश्चन पे, 25% हमें कन्फ्यूज़न हो कि नहीं यार आंसर दूसरा हो सकता है तो हम इसके लिए जाएंगे कि 75% है, और मेरे को लगता है कि नहीं यार मैं 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि मेरा क्वेश्चन 75% का मतलब कितना हो गया, 3/4 होगी प्रोबेबिलिटी, पढ़ते हैं अपन ये बात। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल है चीज़, 75% का मतलब हो सकता है, तो मैं एक केस है कि मैं वहाँ पर इस कन्फ्यूज़न को रखते हुए भी आंसर लगाऊँ। बट ऐसा नहीं होगा कि 20% 30% में ही हमने जो है ये कोशिश की कि मैं लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि रीज़न क्या होगा, वो तो मार्क्स मिलेंगे ही नहीं और 1/3 उसके साथ और चले जाएंगे। सबसे बात ये तो बात हो गई है देखो अपनी मार्किंग वाली।
अब मैं जो बात बता रहा हूँ देखो आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है वो है पेपर अटेम्प्ट, हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर। सब बातें, सब ज्ञान बेकार है। सबसे पहली और मेन बात जो है वो है हम किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, और हमारा जो फॉर्मेट है हम किस तरह से पेपर में उस टाइम पे हम उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने करने हैं, ये बात बात की है। सबसे पहली बात यही है कि करने तो मैं टारगेट लेके गया कि मुझे 100 क्वेश्चन करने थे, और एक बंदा है, एक स्टूडेंट है दूसरा, वो साइमल्टेनियसली एक टारगेट लेके गया है कि उसको 70 क्वेश्चन करने, समझ रहे हो बात। आपने 100 किए, उसने 70 किए, उससे कुछ नहीं होना है। बात किससे होएगी, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और उससे कितने क्वेश्चन आपके फाइनली माइनस मार्किंग होने के बाद में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो यही सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि पेपर अटेम्प्ट जो है हम कर रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमें सबसे पहली बात दिमाग में यह आइडिया होना चाहिए कि 2.5 आवर्स का मतलब, 2.5 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 2.5 आवर्स का मतलब हो गया अपना देखो 150 मिनट्स, 150 मिनट्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 120, इज इट नॉट, यही होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 120, 120 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे देखो एक बार, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए और 150 जो है हमारे मिनट्स हो गए। तो अब बात मेन ये है कि अगर मैं इस लिहाज से बात करता हूँ कि 120 क्वेश्चन है और करने कितने टाइम में, 150 मिनट में, तो ये टाइम हमारे लिए बहुत कम हो जाएगा, कम होगा, बहुत कम का मतलब कम हो जाएगा। हम इतना क्वेश्चन करना बहुत बड़ा टास्क हो गया कि पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन आप 150 मिनट में कर जाओ। तो पहली बात तो ये, दिस इज़ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होता है कि आपको जैसे हम 12th बोर्ड में या फिर कहीं भी 100 out of 100 मार्क्स लाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ना ही हमें चाहिए और ना ही ऐसा कुछ होता है। रीज़न बिहाइंड दैट कि ये जो है ये सेकंड पेपर 600 नंबर का होता है आपका, 600 मार्क्स का, तो 600 + 300 यानी कि कहने का मतलब मैं अगर बात करूँ 900 मार्क्स का जो है टोटल आपका होगा, ये मान के चलें हम। और इसमें से अगर मैं केवल बात करता हूँ 300 मार्क्स की, और 300 मार्क्स किसके हैं, मैथ्स के। अब आप बात बहुत ध्यान से सुनोगे, 300 मार्क्स किसके हैं, मैथ्स के। अपने पास 300 मार्क्स हैं, इस 300 मार्क्स में से हमें जो बात करनी है, इस 300 मार्क्स में से हमें जो नंबर चाहिए हैं वो हमें अभी रफली पकड़ लेते हैं अपन कि 300 मार्क्स में से 300 मार्क्स हैं 120 क्वेश्चन हैं जो कट ऑफ जाती है अपनी। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो कट ऑफ जो है यहाँ से वो कट ऑफ है अपनी, तीनों लेवल में बता देता हूँ मैं आपको, लगभग लगभग जो बात हम करते हैं, तीनों लेवल की बात करोगे तो तीनों लेवल में देखो, अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया है तो ये है 45 के आसपास, 45 क्वेश्चंस नियर अबाउट द 45। अगर मॉडरेट लेवल आया है, तीन लेवल होंगे ना अपने पेपर के, एक तो हार्ड होता है, एक मॉडरेट होता है और एक इजी होता है, यानी कि ये तो हार्ड हो गया, ये मॉडरेट मतलब एवरेज, जो जिसमें क्वेश्चंस हार्ड भी हैं और क्वेश्चंस इजी भी हैं। तो ये मॉडरेट लेवल में ये लगभग कट ऑफ है 50 क्वेश्चन, ये पूरा पेपर जो है अपना मॉडरेट लेवल का है। और ईजी, अगर इजी आता है तो ये कट ऑफ मान के चलते हैं अपन 55 क्वेश्चन, और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये हाईएस्ट है, ये क्या है, हाईएस्ट बात चल रही है ना। कट ऑफ इससे अगर पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ इसके इर्द गिर्द रहेगी, यानी कि मैं मैक्स टू मैक्स, अगर इजी से इजी पेपर आता है जिसमें मैं सब कुछ सबको बहुत ईजी लगे, उसमें कट ऑफ जो है 55 क्वेश्चन जाएगी, यानी कि लगभग लगभग अपन बात करें तो 2.5 मार्क्स से मैं इसको करता हूँ तो 110 और 2.5 किया तो लगभग 140 मार्क्स, लगभग 140
मार्क्स की बात हो गई, समझ रहे हो मेरी बात, लगभग 140 मार्क्स हो गए, यानी कि 50% भी, 50% कब होगा जब कट ऑफ कितनी होगी 60 क्वेश्चंस, 50% कब होगा जब कट ऑफ कितनी होगी 60 क्वेश्चंस, समझ रहे हो मेरी बात बेटे, सब लोग अच्छे से समझना, मैं जो पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ वो बात समझने की कोशिश करना। अब मैं टारगेट लिया मैंने कि मैं तो यार ये कट ऑफ वट ऑफ का मुझे पता नहीं है, मैं तो कम से भी कम कट ऑफ से मतलब नहीं है, इतना तो करूँ कि मेरी रैंक भी अच्छी आए और मैं आगे भी बढ़ूँ, मतलब मेरे अच्छे मार्क्स मिले मुझे ताकि मेरे को आगे जो है इससे सपोर्ट मिले। कट ऑफ की बात मत करो सर, आप तो ये बताओ कि मार्क्स कितने आए ताकि हम जो है फाइनल जो रैंकिंग आई हमारी उस तक पहुंच पाएँ, और सिलेक्शन की बात हम करें कि आगे तक कहां तक पहुंचेंगे। तो हम उसके लिए क्या करें, मैंने किया कि मैं 70 क्वेश्चंस पकड़ लेता हूं। मैंने तुमसे कहा कि आप तो टारगेट बना लो कि मुझे 70 क्वेश्चंस करने हैं पेपर में, बात समझ रहे हो। अब बात ये है 70 क्वेश्चंस कितने मिनट में करने, 150 मिनट में करने, 70 क्वेश्चंस कितने मिनट में करने हैं, 150 मिनट में, तो अब मुझे 120 नहीं करने, अब कितने करने, 70 क्वेश्चंस, अब 120 नहीं करने, अब कितने करने हैं, 70 ही करने हैं, और 70 के लिहाज से ये 150 नंबर जो है वो कम नहीं है, 70 के लिहाज से ये 150 नंबर कम नहीं है, 150 मिनट कम नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ सुन लेना, 120 क्वेश्चन करने हैं 150 मिनट में तो टाइम कम है, लेकिन अगर मुझे 70 क्वेश्चन करने 150 मिनट में तो टाइम कम नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ से हमें 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, 2 मिनट से भी ज़्यादा हमें टाइम मिल रहा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब बात यह है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 2 मिनट भी लग रहे हैं, और ये 70 क्वेश्चन नो डाउट है, आप आराम से रिलैक्स होकर 70 क्वेश्चन सही करके आइए, सही की बात चल रही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात नहीं चल रही है, अटेम्प्ट तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि 70 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। अब 70 क्वेश्चन राइट होना बड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 120, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक बार, अगर मैं 60 वाली बात करता कि 60 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका मतलब क्या होता कि 60 क्वेश्चन मेरे को यहाँ से छोड़ने, यही तो मतलब हुआ। अगर मैं कहूँ कि मुझे 60 क्वेश्चन ही करने हैं 120 में से, इसका मतलब 60 करने और 60 छोड़ने, मीनिंग क्या हुआ, एक करना है एक छोड़ना है, एक करना है एक छोड़ना है, एक करना है एक छोड़ना है, कितनी ईजी बात होगी, तो इतना बड़ा लोड नहीं है। अब इसको भी मैं बता रहा हूँ, इसमें भी रीज़न क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है, हर कोई क्रैक नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, ये पढ़ने वालों की बात चल रही है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो सारी बात बड़ी है, वो 10 क्वेश्चन करके आ जाएं वो बहुत बड़ी बात, बात केवल पढ़ने की चल रही है, हम अब सारा पढ़ रहे हैं, उसके हमने पूरा सिलेबस किया है, हम उसको किस तरह से वहाँ पे जाके परफॉर्म करेंगे, मैटर इस बात का चल रहा है। तो वहाँ पे हमें ये 70 क्वेश्चंस अगर करने हैं तो 50 क्वेश्चंस तो हमें अभी भी छोड़ने। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं बात कह रहा था कि पेपर अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, वो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि पेपर अटेम्प्ट आपको किस वे में करना है और किस फॉर्मेट में हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। अब बात सुनो, देखो यहाँ पे बहुत बहुत प्यारे तरीके से पेपर को सेट किया जाता है, हर साल की बात है, हर तरह से, हर हर बिहाफ से, हर मतलब एंगल से अपन देखें तो स्टूडेंट का टेस्टिंग वो लोग करते हैं कि आप कितना पेशेंस रखते हो, आप कितनी नॉलेज रखते हो और आपकी अप्रोच कितनी है, आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो। सबसे मेन मैटर मैं बता चुका हूँ कि उनको आपसे 70 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, उनको तो 70 कर लोगे आप बहुत अच्छी बात है, 90 करो 100 करो वो आपके ऊपर है, वो आपका कैलिबर है कि आप कितना कर पाते हो, बट आप 70 भी करते हो तो भी उनका तो काम हो गया भाई। 55 क्वेश्चंस पे अगर हम मान के चलते हैं कि हाईएस्ट टू हाईएस्ट 55 क्वेश्चन पे अगर उन्होंने कट ऑफ रखी है, तो उसके बाद तो 15 क्वेश्चन और हो गए एक्स्ट्रा, और कंपटीशन लेवल पे 15 क्वेश्चन का मतलब मार्क्स वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो ये लगभग हो गए 37.5 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स लगभग, 35 मान लो, 35 मार्क्स आगे हो जाना बहुत बड़ी बात करता है, ये आपकी बहुत रैंकिंग को जो है बहुत आगे प्रमोट कर देगा, तो बहुत बड़ी बात हो गई कहने का मतलब। तो यहाँ से हम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये जो है अपना जो पेपर है उस पेपर में सबसे बड़ी बात है उसको अटेम्प्ट करना, और वो किस तरह से सेट है वो बात सुनना, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग कहीं भी कैसे भी तैयारी करते हैं, कभी भी करते हैं, तैयारी प्रिपरेशन कितनी भी करते हैं, लेकिन अगर उस 2.5 घंटे में आपकी अप्रोच सही नहीं होती है तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सारा खेल ख़राब हो जाएगा। और अप्रोच कैसे गलत होती है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से है अपना सारा,
10 क्वेश्चन है, चलते चलते 11, 12, 13 एंड सो ऑन, यहाँ तक कहीं 120वां क्वेश्चन होगा, ऐसे पेपर है। अब मेरी बात ढंग से सुनना, क्या होता है देखो बच्चे, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो या दिया हो पेपर, तो उनको पता है ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ, वो समझ जाएंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करता है, जनरली ह्यूमन टेंडेंसी होती है, सभी की होती है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं मना नहीं करूँगा कि मत करो, करो, कोई इशू नहीं है। बट क्या होता है, हमें ये चीज़ समझ नहीं होगी या हमें पहले से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि मैं क्वेश्चन वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं श्री गणेश कर रहा हूँ। होता है ना अपने दिमाग में कि श्री गणेश बर्थडे वाले दिन अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरे साल भर ऐसा करेंगे, न्यू ईयर के दिन हम ऐसा करेंगे तो पूरे साल भर ऐसा करेंगे, फर्स्ट डे स्कूल का ख़राब हो गया तो पूरा साल ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। ये वो वाला श्री गणेश नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो हमें कोई भी वहाँ पे किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है, कोई बात नहीं है। नहीं आता है तो आपने गलती करी, आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना ही नहीं था, पेपर इस तरह से सेट किया गया। तो मैं दोनों तरीके की बात बता रहा हूँ आपको। क्या होता है, ये अच्छी कंडीशन तो ये है कि हमने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें बहुत ईजी मिल गया, लाइक फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स, लाइक फाइंड एंगल बिटवीन द वैक्टर्स, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। क्या करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। बहुत ईजी, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, हर बच्चा करेगा, उसको आराम से कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात। अभी भी क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी चार सेक्शन है अलग अलग, समझ रहे हो, कोड अलग अलग है, चार अलग अलग कोड है। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, इट मे बी पॉसिबल कि सर्टेनली पॉसिबल कि कोई सभी स्टूडेंट को वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट वाइज वो अरेंज होगा। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि सेट वाइज जब अरेंजमेंट होता है तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ईजी आता है या हार्ड आता है। तो आप मेरी बात समझोगे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात यहाँ पे दो तरह से हमें चीज़ करनी है। हर स्टूडेंट पढ़ के जो गया है उसको क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग जाता है कि ये मेरे लेवल का है या नहीं है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है या नहीं की है, मेरे को टीचर्स ने जो पढ़ाया है उन्होंने यहाँ तक का कॉन्सेप्ट दिया है या नहीं दिया है, या उनके कॉन्सेप्ट से भी कुछ अलग ही पूछा गया है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन जा रहा है। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, सारी क्लासेस लिए हैं, सब कुछ कवर करके गए हो आप, तो आपको तुरंत जो है स्ट्राइक कर जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे करना है या नहीं करना है। क्लियर है, नहीं अभी बात समझते जाना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक एक बात जो है अच्छे से समझोगे आप, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पढ़ाना सब बाद में है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पढ़ाई ज्ञान नॉलेज सब बेकार है, अगर आपका वो 2.5 घंटा सही नहीं निकाल पाते हो आप तो सब वेस्टेज हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा है वो इजी है तो वेल एंड गुड, हार्ड है तो दो कैटेगरी है हार्ड की, कि एक तो ये है कि मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन है यार इसको करूँगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है मैं फिर भी फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाऊँ, ये हमें एहसास हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ किनको होगा, जो पढ़ के जाएंगे जिनको पूरा आता होगा वो तुरंत जो है इस बात को भांप लेंगे, समझ जाएंगे, एहसास कर लेंगे कि ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है। तो एक तो कैटेगरी ये हो गई, अगर ऐसा लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ और हो सकता है आंसर नहीं भी आए, तो आप इस पर करोगे गोला, ये राउंड कर दोगे आप, सर्कल बना दोगे, समझ रहे हो मेरी बात। सेकंड, अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन अपने लेवल से बाहर है या हमसे नहीं होगा, उसी टाइम बिना कुछ सोचे आप यहाँ पे क्रॉस कर दोगे। हमें बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं करना है कि अरे यार मैं करूँगा क्या, अगर मैंने इसको काट दिया मेरे को करना है, नहीं करना है। हमें 120 क्वेश्चन हैं पूरे अपने पास यार, अभी तो हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे ही हैं, हम क्यों इतना सोचें कि हमें अब, और वैसे भी मैंने क्या बताया तुम्हें कि आपको 50 क्वेश्चन तो वैसे ही छोड़ने हैं, 50 क्वेश्चन तो छोड़ नहीं छोड़ने करने कितने 70, तो हम तो अभी पहले ही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो आपको लगा कि सर ने भी कहा था, हल्की सी बात आपके दिमाग में, आपने क्वेश्चन को छोड़ा, सेकंड नंबर पे आया आपने गोला कर दिया या क्रॉस कर दिया, थर्ड पे आया वापस से हार्ड लगा क्रॉस कर दिया, फोर्थ पे आया वापस से हार्ड लगा या तो गोला कर दिया क्रॉस कर दिया, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे बन गया, आपका आंसर भी आ गया, आपको कॉन्फिडेंस आया, वापस सिक्स में आए गोला किया क्रॉस कर दिया, गोला किया या क्रॉस कर दिया, सेवन्थ एट्थ गोला किया या क्रॉस कर दिया, ठीक है, अब जो है पेशेंस जो है अब नहीं रहा है, समझ रहे हो, 8 तक तो हो गया है। अब आप सोचोगे, इवन जो भी लोग जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने वीडियो वो सॉरी कहने का मतलब पेपर अटेम्प्ट नहीं किया या नहीं दिया है, उनको तो लग रहा होगा क्या बकवास चल रही, बकवास नहीं है ये, एग्जैक्टली होगा, होता आया है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है, इवन हम लोग आंसर की बनाते हैं, मेरे साथ भी होता है,
इतने साल हो गए, 8 साल से मैं 16 पेपर्स हो चुके हैं, उनके आंसर की बनाता हूँ। मेरे साथ भी होता है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबके साथ होता है। और जो इस चीज़ को नहीं समझेगा वो वहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट कर देगा। तो पहले एक बात सुने, 9 नंबर पे आए, फिर वापस गोला कर दिया, क्रॉस कर दिया, 10वें पे आते आते तो दिमाग ख़राब, और मैंने यहाँ पे आया, मैंने इस पे क्रॉस वॉस कुछ नहीं किया, मैं यहाँ आके अटक गया। मैंने कहा अरे नो क्वेश्चन तो कर चुके हैं, और अब ऐसे किया तो अब तो मर जाने हैं, अपनी तो ज़िंदगी ख़राब हो जानी है, ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। और आप यहाँ पे स्टार्ट हुए, यहाँ तक तो करने में आपके अभी तक जो है 1-1 मिनट हर क्वेश्चन को पढ़ा, देखा कि नहीं हो रहा तो छोड़ा, तो 10 मिनट्स गए थे। लेकिन आपका यहाँ मूड ख़राब हुआ, आपने सोचा कि नहीं मुझे करना ही करना है, आपने 10 मिनट तो इस क्वेश्चन को ही दे दिया अकेले को। फाइनल होगा वही कि आपका आंसर अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको छोड़ना था, बट आपको ये लगा कि नहीं मैं तो ऐसे छोड़ ही जाऊँगा तो कैसे पेपर को कर पाऊँगा। ये सबकी टेंडेंसी है, ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, 100 में से 90% बच्चे इस चीज़ को फेस करते हैं, करते आएंगे। ये मैंने ज़्यादा बता दिए, हो सकता है आपको 10 में से 3 क्वेश्चन आ जाए, 7 क्वेश्चन आपको फिर भी छोड़ने पड़े, और हो सकता है सारे के सारे 10 आ जाए। ये सीरीज फर्स्ट की बात नहीं है, ये जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है वो आपको इन बिटवीन कहीं भी मिल सकती है, 1 to 120, जहाँ पे आप ये चीज़ फेस करोगे। हो सकता है 51 to 60 में आपको ये चीज़ फेस करनी पड़े और आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, वो करेंगे। वो पेपर सेट ही इस तरह से किया जाता है कि आपका माइंड जो है इसमें लग जाए और आप फाइनल जो है जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाओ। तो बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा था एग्जैक्टली। यहाँ आए आपने 10 मिनट ख़राब कर दी, ये क्वेश्चन बना नहीं बना, आप 11th पे आए, फिर आपने टाइम वेस्ट किया, घड़ी देखी 1 घंटा 1 आवर निकल चुका है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ छोड़े भी थे और कुछ किए भी थे, ऐसे करके 10 क्वेश्चन ही हो पाए, 1 घंटा चला गया, आप एग्ज़ाम से आउट हो चुके हो, यहीं गायब हो, यहीं आउट हो चुके हो आप। आपको आगे भले मैं तो कहूँगा आप उठ के आ जाओ एग्ज़ाम से अगर आने देते हैं, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो, आपके पास 1.5 आवर बचा है और आपके अंदर निगेटिविटी इतनी बढ़ चुकी है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गए। तो आपको कहीं भी, मैं क्या करना है वो समझो, कहीं भी नहीं रुकना है, भले ये सिस्टम 30 तक चले चाहे 40 तक चले। कहीं बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि ये करते करते उनका 10 पे आते ही दिमाग ख़राब हो गया, बात पता होते हुए भी कि सर ने बोला था, उसके बाद भी उनके साथ क्या हुआ कि वो जब उन्होंने देखा तो वो करते करते आए तो साला 2.5 घंटे निकल गए, और हम पहुँचे हैं अभी तो 40 नंबर के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 पर ही पहुँचे हैं, और 2.5 आवर्स में होने में आए, लगभग 2 आवर्स निकल गए, ये मान के चलो आप, आधा घंटा बचा है। अब वो बच्चे क्या करता है, वो बच्चा फटाफट पेजेस को टर्न करके और 120 तक पहुँचना चाहता है, और जब वो पेजेस टर्न करता है तो उसके पेजेस ही चिपके ही रह जाते हैं, पूरे पेजेस भी ओपन नहीं कर पाता वो बच्चा। और घर आके देखता है तो जब पेजेस खोल के देखें तो उसमें लिखा हुआ था फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करो, ax1 + by1 + c / √a² + b² खेल ख़त्म हो चुका है, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है, आपने सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है, वहीं पे आपका मूड ख़राब हो गया। तो मेरी बात समझो अच्छे से, कभी भी आपको फुल पॉजिटिविटी के साथ बैठना है, क्वेश्चन सारे छोड़ो, छोड़ते जाओ, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि हमको 70 ही करने हैं, 50 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, तो आप छोड़ते जाओ। यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, ये नहीं तो भी आपको 15 लगभग दिखेंगे, इसके आसपास 15 मान के चलो, हर साल हर सेट में 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, ये होते आए हैं और होंगे आगे भी, हमेशा होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन का वेरिएशन चलता है जो रिपीटेड होते हैं, जो आपको नहीं तो भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे मिलेगा क्वेश्चन, और जहाँ तक एज सच डेटा होता है और वो का भी क्वेश्चन आता है। सेकंड बात, बिल्कुल इजी लेवल जैसे फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, 3D इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक, जिसको कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो कि हमें कभी भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर्स करके जाने हैं, कभी भी हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, समझ रहे हो आप बात को अच्छे से। तो ये बात ध्यान रखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस दिक को जय निकालना, ये क्वेश्चन इंडिया में आया हुआ है, पूछा हुआ है, पूछते हैं वो हर साल पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं इस कैटेगरी के, ये कैटेगरी मिलेगी आपको 20 क्वेश्चन की लगभग कहीं भी, हो सकता है 87 नंबर का क्वेश्चन ऐसा हो, आप वहाँ तक पहुँचो तो सही, आपको ऐसे सामने परोसा नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो लगभग देखो, अगर आपने पूरे प्रैक्टिस सेट पहले वाले किए हैं तो 15 तो ये हो गए, 20 ये हो गए, तो 30 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए, 35 भी नहीं ले रहा मैं तो 30 लिए मैंने, 30 क्वेश्चन ही मान लो तुम, तो
ये 30 तो यहाँ से हो गए जो हमको ऐसे ही करने थे, ये 30 क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग के 1 से 120 तक चलोगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो सुन लीजिए, अब शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा देता हूँ सारी बातें, ये चलती रहेगी, हम करते रहेंगे आगे। तो अभी आप ये समझो क्या करना है, 1 से 120 मैं पूरा टारगेट लेके चलूँगा, मुझे करना है ये काम 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में मुझे 120 क्वेश्चन नंबर तक पहुँचना है। अब कैसे पहुँचूँगा, मैं गोला करता हूँ, कट करता हूँ, वो मेरी मर्जी है, और मैं डबल टिक करता हूँ, यानी कि सही, ये मेरे ऊपर है, समझ रहे हो मेरी बात। डबल टिक वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे, इस वाला जो ये आपका पहला राउंड होगा या फर्स्ट लोट होगा 1.5 घंटे का, इसमें आपको मैं कह रहा हूँ 1 से 120 तक जाना है, ये आराम से पहुँचोगे जब आप गोला, क्रॉस और ये डबल टिक वाला काम करोगे। इस वाले राउंड में आपको डबल टिक करने हैं जो मैं बता चुका प्रीवियस ईयर वाले पे, और ईजी जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करोगे। मेरी बात समझ ना, आप देखो इस तरह से आप चलोगे तो आराम से आपका जो है 42-45 क्वेश्चन आप इसमें कर चुके होगे इस 1.5 घंटे में। फिर आपके पास अभी नेट 1 घंटा बचा है, और उस 1 घंटे में आप ये जो गोले जहाँ जहाँ भी लगाए थे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्रॉस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। ये हमें एडवांटेज होगा क्रॉस लगाने से, क्रॉस लगाया मैं क्वेश्चन को देखूंगा ही नहीं, मेरे सेट में क्वेश्चन है ही नहीं, मैं मान के चलूंगा। तो इसलिए मैं क्रॉस का बोला मैंने कि आपको क्रॉस लगा देना है, ताकि आपके माइंड से हम 30 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए भी उस क्वेश्चन की तरफ नहीं देखेंगे, जब तक हमारा जो है गोले वाला काम पूरा नहीं हो जाएगा। आपको अब 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने रह गए, 25 क्वेश्चन और करने रह गए वापस से। ये 25 क्वेश्चन कौन से हैं, गोले वाले, जो आपको लगते थे कि मुझे आते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इनको कर लूँगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, यही सब कुछ है, ऐसे ही हमें पेपर करना है और पूरा सिलेबस करना है। दो तरह के एग्ज़ाम हैं, एक तो जेई मेंस का एग्ज़ाम, मेंस एडवांस होता है, एक अपना ये पेपर होता है एनडीए वाला। इनके पास वहाँ पे क्या होता है, हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना होता है, भले आप 20 टॉपिक ही करके जाओ, 15 टॉपिक ही करके जाओ, लेकिन उन पर सॉलिड कमांड होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन बना पाओगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 3D एक टॉपिक है, इससे कुछ बच्चे घबराते हैं, लगता है कि हार्ड है, और है भी सही, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यहाँ से वेरिएशन है अपना, अभी मैं बताऊँगा आगे। 4 to 5 क्वेश्चंस हम मान के चलते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे, तीन क्वेश्चन से कम तो कभी नहीं होते किसी भी सेट में, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं कितने भी, बट 4 to 5 मैं एवरेज मानता हूँ। इनमें से 4 to 5 में से 2 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 2 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो अब आपने सपोज़ करो आपको डायरेक्शन कोसाइन तक भी नहीं आता निकालना, या डायरेक्शन रेशियोज़ नहीं आता, या एंगल बिटवीन द प्लेन्स नहीं आता, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन नहीं निकाल सकते आप, बहुत ईजी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स हैं ये टॉपिक में, वहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया है और आप नहीं करके आए क्योंकि आपने पूरा ही चैप्टर स्किप कर दिया है, तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस या और मेंस, हम प्रिपेयर कर रहे हैं NDA एग्ज़ाम के लिए। और वो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन ही इस लेवल के दे देंगे कि आप उनको कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको यहाँ से पास भी तो करना है, उनके पास एक और बहुत तगड़ा स्टेप, बहुत तगड़ा उनके पास रिजेक्शन के लिए राउंड बचा हुआ है, दैट इज़ SSB, सबको पता है, आप लोग जानते हैं SSB का एक बहुत बड़ा उनके पास राउंड है, जिसमें वो चाहेंगे सब निकल जाएंगे, पता नहीं कितने लोग रहेंगे कितने नहीं रहेंगे, उनके पास तो बहुत अच्छा आगे एक और जर्नी है जिससे वो आपको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मेरा कहना यही है, सारा सिलेबस करेंगे। अब हम आते हैं देखो सिलेबस डिस्कशन पे, जो हमारा स्टार्टिंग था, ये बातें हम क्लासेस में और करते रहेंगे, आप लोग बात सुनते जाना। देखो देखिए स्टार्टिंग की बात जो है वो सुनते हैं, हमारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, एक्चुअली हम जो मैथ्स से पूरी अपनी, उस मैथ्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। 4 सेक्शन होते हैं मेनली, एक होता है अलजेब्रा बीजगणित, सेकंड वन ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, थर्ड होता है कैलकुलस, फोर्थ होता है अपना ये अपना पूरा सारा सेक्शन डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो तो अपना कैलकुलस में आ गया। फोर्थ सेक्शन अपन लेते हैं 3D एंड वेक्टर्स, उसको मैं अलग रख लूँ एक बार, और एक 2D ज्योमेट्री वाला मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा ले लेता हूँ, यानी कि 4 सेक्शन तो अपन मेजर मान के चलेंगे। कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ एक बार, 4 सेक्शंस अगर आप लेके चलते हो तो एक तो हो गया अपना अलजेब्रा, यहाँ पे हमने ऐसा कैटेगराइज करके नहीं कराया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अलजेब्रा
एक सेक्शन है अपना टू डायमेंशनल ज्योमेट्री अलोंग विथ 3D, ये मान लो, तो 2D भी आ गया और 3D भी आ गया, इसमें दोनों ही आ गए हैं। थर्ड वन ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। फोर्थ हो गया अपना कैलकुलस। ये चार तो मेजर सेक्शन है, इनके अलावा कुछ सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक लॉगरिथम, वो एलजेब्रा के पार्ट माना जाता है वैसे। बाइनरी नंबर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एलजेब्रा। स्टेटिस्टिक्स, ये एक टॉपिक है अपना NDA में, तो आते हैं वो आते जाएंगे, मैं बताता जाता हूँ। फर्स्ट सेट रिलेशन फंक्शन, फर्स्ट टॉपिक है अपना सेट रिलेशन फंक्शन। तो सेट रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं, देखो समुच्चय, संबंध, फलन, एक्चुअली ये तीन टॉपिक्स हैं, एक सेट, एक रिलेशन और एक संबंध। यहाँ पे हम लोग एक ही टॉपिक बना के पढ़ते हैं इसको, बात सारी होगी अलग अलग। जो डिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है वो भी इस तरह से दिया गया होता है, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। बट जब पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th में भी, रिलेशन एक फंक्शन एक अलग से टॉपिक है, फंक्शन एक अलग से टॉपिक है और सेट एक अलग से टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कोई बाउंडेशन नहीं है। अभी तक की बात हम करते हैं तो ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से लिए जाते हैं इस सेक्शन से। अब देखो वो 5 to 6 क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, लाइक सेट्स की बात करते हो, सेट से क्वेश्चन आ जाता है। सेट से हो गया अपना बहुत सारे हैं कि कौन सा पावर सेट ऑफ दिस कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने पावर सेट बन सकते हैं, यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा। अगर वो क्वेश्चन होता है अपने तीन तीन सर्कल्स बना के करते हैं, इंटरसेक्शन वाले जो होते हैं रीजन, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। रिलेशन में किस तरह का रिलेशन है, ट्रांसवर्स है, सिमेट्रिक रिलेशन है, अपना जो है लास्ट में अपन पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है, या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है, या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, किस तरह का संबंध होगा उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फंक्शन में बहुत सारी वेराइटी है, फंक्शन का टाइप किस तरह का है, 1-1 many 1 है, 1-1 in 2 है, 1-1 on 2 है, डोमेन और रेंज पूछ लिया जाता है इस कैटेगरी से। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो ऑन एन एवरेज हम जो है डेटा ले रहे हैं, जो लगभग है। यहाँ पे कितना भी कोई वो नहीं है, फिक्स टॉपिक्स कुछ हैं जिनसे हर साल ये मैं कहूँगा कि इतने क्वेश्चन तो पूछेंगे। मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, इनसे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अभी आता है आगे, देखो बात करते हैं। सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ से हम बात करें तो मैं वेरिएशन लेता हूँ 2 to 3 क्वेश्चन, ये मान के चलते हैं कि 2 to 3 क्वेश्चन तो हमें मिलेंगे, ज़्यादा हो सकते हैं एक साल एक ईयर में, 2013 या कुछ में ऐसे 13 होगा जहाँ तक है, उस टाइम यहाँ से 10-11 क्वेश्चन आ गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। केवल कॉम्प्लेक्स नंबर्स से 10 to 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वेरिएशन है, बट हम मिनिमम पकड़ रहे हैं कि मिनिमम तो इतने होंगे, वो कैसे भी सेट करें वो उनके ऊपर है। सेकेंड थर्ड वन बाइनरी नंबर्स, ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं होगा, हालांकि फिजिक्स में 12th क्लास में आता है नॉर गेट और गेट, वहाँ पे ये थोड़ा सा बाइनरी नंबर्स का काम होता है लॉजिक गेट्स में, तो वही काम है यहाँ पे बाइनरी नंबर्स में। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स ये मान के चलो कि 99% फिक्स है, एक सवाल फिक्स है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं बट जनरली एक क्वेश्चन देखा गया है, बट अपन माने कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इक्वेशंस या इनइक्वलिटीज अपन बोल सकते हैं। आप देखो यहाँ पे इस जगह पे ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब वही बात जो मैंने कहा है आपसे कि अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, भले ही हमें उससे क्वेश्चंस कम मिलते हों, लेकिन वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है, वो हर जगह पे हमें हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। लाइक इन इक्वेशंस की बात करते हो, इनइक्वलिटीज़ की बात करते हो, सब जगह पे इनइक्वलिटी आती है, हर चैप्टर में इनइक्वलिटी आती है, जहाँ पे हमें रेंज बतानी होती है, रेंज का मतलब एक्स लाइंग इन बिटवीन दिस टू दिस, एक्स वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हमें ये इनइक्वलिटी समझनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है अपना पूरा, ये यहाँ से जो है हम मान के चलते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन एन, मतलब अपन कह सकते हैं ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो एज अ फिक्स कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं। PNC दिस इज द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चंस का कोई हिसाब नहीं है, यहाँ से कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर होता है ये। अभी तक जो बात करें अपन तो वो लगभग मान के चलते हैं 3 to 4 क्वेश्चन, और लगभग 4 to 5 ये भी कह सकते हो, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं इस जगह से 3 to 4, 4 to 5, लगभग जो है 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, पूछते रहते हैं। क्वेश्चन वही होते हैं, 3-digit नंबर बनाना है,
अरेंजमेंट्स करने हैं, सर्कुलर टेबल पे पीपल लोग हैं वो किस तरह से बैठेंगे, कितने अरेंजमेंट्स होंगे, अपने पास एक प्लेन में इतने पॉइंट्स हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है पीएनसी की कॉम्बिनेशन की, वो आप लोगों को पता हो कि भाई हमारे पास किसी प्लेन में पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती है, कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं एक पैरेललोग्राम में, या फिर अपना जो क्वाड्रिलेटरल है उस क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, बहुत करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे, बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, एक मिनट वेट कीजिए। देखिए बायनोमियल थ्योरम है ना, बायनोमियल थ्योरम ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के वैसे अगर बात करें तो गंदा टॉपिक माना जाता है, गंदा का मतलब थोड़ा सा बच्चों को ऐसे झिझक सी रहती है इसमें, बट अपन पढ़ेंगे इसके बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बायनोमियल थ्योरम अच्छा टॉपिक है। देखो यहाँ पे, यहाँ से भी अपने वही 3 to 4 क्वेश्चन अपन मानते हैं इस जगह से, लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और कम भी आ जाते हैं कभी कभार। बायनोमियल थ्योरम से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये वेरिएशन है, तो अपन जो ले रहे हैं लघु गणक लॉग 1 क्वेश्चन या मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन, बस 1 to 2 ये वेरिएशन यहाँ से होता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है अपना, मैट्रिक्स बहुत प्यारा टॉपिक है। मैट्रिक्स जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं और वो टॉपिक है अपना मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स से चांस है कि भी यहाँ से थ्योरेटिकल पेपर बन सकता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेपर क्या बन सकता है मतलब इस टॉपिक से थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़, इनवर्स की प्रॉपर्टीज़, उनसे किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो यहाँ पे आते हैं। मैट्रिक्स से जो है लगभग लगभग अपने वही 3 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेंट साथ में दोनों, ये जो है एक तरह से भाई बहन है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, सारणिक और आव्यूह। यहाँ देखो इसके बिना ये अधूरा और इसके बिना ये अधूरा, ऐसा काम है इनका। डिटर्मिनेंट में देखो, डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में भले मैट्रिक्स की जरूरत ना पड़े बट मैट्रिक्स में तो डिटर्मिनेंट चाहिएगा क्योंकि हमें आगे एडजॉइंट भी फाइंड करना होगा, इनवर्स फाइंड करना होगा, तो हमें डिटर्मिनेंट पड़ेगी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट की जरूरत। डिटर्मिनेंट से भी वही वेरिएशन है, दोनों से मिला के अपन मान के चलते हैं 4 to 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से आने आने डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाएंगे। डिटर्मिनेंट से अकेले से 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार, और ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं 5। ज़्यादा के लिए मैं कह चुका हूँ आपको, अपर बाउंड कुछ भी नहीं है, अपर बाउंड कुछ भी नहीं है, कोई सा भी टॉपिक उससे क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी सेट में, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहेंगे, यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि अपन टॉपिक सारे कवर करके चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड एंगल्स एंड इक्वेशंस, ये वही अपने जो बेसिक हम शुरू से पढ़ते आए, आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी इसमें सारी, आइडेंटिटीज़ बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आ जाएंगे, और साथ में फॉर्मूला बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनकी सबकी एप्लीकेशन यहाँ पे होती है। अलाइड एंगल्स होते हैं, हाफ एंगल्स होते हैं, अर्धकोण, इन सब की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस जो मेनली जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इसी सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं ना, कोई अथा सागर है इसका, कोई एंड नहीं है। और वही बात है कि टॉपिक भले कितना ही कम हो, कितना ही कम वेटेज रखता हो, लेकिन हर जगह पे हर टॉपिक में इसकी नीड हमें पड़ती है, इस पे तो हमें कमांड करना ही है। और सब लोगों का लगभग लगभग अपन 10th क्लास में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है 9th या 10th में, तब से ही जो है ये रेगुलरली फिर 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज सब बच्चे को होती है। देखो आगे नेक्स्ट वन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो 12th क्लास में जो आता है यहाँ से वही 1 to 2 क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, 4th, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ से
देखो हाइट एंड डिस्टेंसेस की बात करें, अगर अपन हाइट एंड डिस्टेंसेस में देखो ऊंचाई तथा दूरी, ऊंचाई तथा दूरी से वही वेरिएशन मान के चलेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्री माना जाता है इसको, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं अपन। और यहाँ से लगभग लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक भाई आगे आ जाओ। त्रिभुजों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये अपने राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, कभी कभी वहाँ पर पढ़ा हुआ नहीं होता है CBSE बोर्ड में, फिर भी RD शर्मा वगैरह में ये जो पढ़ते हो आप लोग, PK गुप्ता या जो भी बुक्स हैं रेफरेंस बुक्स, उनमें फिर भी कहीं ना कहीं दे रखा है, तो एक ही बात है, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में अर्ध वो वाले सेमी पैरामीटर वाले फॉर्मूले होते हैं सारे, तो वो हम करते हैं। एस वाली जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो एस पे बेस्ड होते हैं वो बताया जाएगा। यहाँ से लगभग लगभग अपन 2 to 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो लगभग लगभग ट्रिग्नोमेट्री अकेला, ट्रिग्नोमेट्री में हम 4 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या इक्वेशंस जो हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेज और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। तो ये सारा सेक्शन मिला के लगभग लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस कम से कम यहाँ से होते हैं, यानी कि आप ही मान के चलो कि 7 सवाल तो हमारे हो जाएंगे अगर ये सारा सेक्शन हम करते हैं तो, 7 to 8 क्वेश्चन। अब ये ऐसे हैं कि इनसे किसी का कोई अपर बाउंड नहीं है, ये क्वेश्चंस कितने भी पूछे जा सकते हैं, ये 20 तक भी पहुँच सकते हैं, 15 तक भी पहुँच सकते हैं, 4 टॉपिक्स हैं, इनसे वेरिएशन हो सकता है, बट जनरली ये चलता है, यही चीज़ यहाँ पर होती है। देखो कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, या अपन पढ़ेंगे इसको पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, और प्लस इसमें पढ़ेंगे पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ेंगे इसमें, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिंदु, सरल रेखा तथा रेखाओं के युग्म, ये सारा सेक्शन अपन पढ़ेंगे। पहली बात, ये पूरा बेसिक होता है, बेसिक का मतलब पॉइंट जो मैं पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल सकते हो इसके अकॉर्डिंग, पॉइंट जो पढ़ेंगे उसमें मैं सारा जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका बेसिक बात होती है पॉइंट के अंदर, कि सारा पॉइंट जो है इसमें लाइक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और अपन कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न, डिवीज़न बाय लाइन, डिवीज़न बाय एक्स एक्सिस, डिवीज़न बाय वाई एक्सिस, जितने भी सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल लाइक इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो इन सेंटर, एक्स सेंटर, जितने भी सेंटर्स हो सकते हैं वो सारे सेंटर्स, लंब केंद्र, अंतर केंद्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जो हमें आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, उन सब में इनकी नीड पड़ेगी, तो अपन वो बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन से वेरिएशन जो है इस पॉइंट से अगर बात करें तो लगभग लगभग 5 क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ये 5 तो यहाँ से मानो कि 4 to 5 क्वेश्चंस, जिसमें पॉइंट भी आ गया और बेसिक थ्योरी सारी आ गई है। आगे बढ़ोगे सर्कल से 2 to 3 क्वेश्चंस का वेरिएशन है, 2 से 3 सवाल। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन इज नथिंग बट इट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स, कौन कौन से, 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज पैराबोला, परवलय, पहला टॉपिक क्या है, परवलय, इसी में अपन पढ़ेंगे। देखो सेकंड वन एलिप्स, दीर्घवृत्त, और इसमें अपन पढ़ेंगे थर्ड हाइपरबोला, अति परवलय, हाइपरबोला अति परवलय, ठीक भाई। तो ये 3 सेक्शन से मिलके अपना बनता है कॉनिक सेक्शन, तो कॉनिक सेक्शन से जो है एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, इन तीनों से मिला के अपन लगभग लगभग मान के चलते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस। तो अगर अकेले 2D की बात करोगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस अपन यहाँ से मान के चलते हैं कि सारी 2D में, जिसमें इलिप्स आ गया, हाइपरबोला आ गया, सर्कल आ गया, ये मिनिमम टू मिनिमम हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो है 4 to 5, 2 to 3 ऐसे करके, नहीं तो भी अपने 10, 11, 12 सवाल बन जाने हैं। तो लगभग अच्छी किस्मत रही तो वही 15 के आसपास जो है यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप 2D पे भी कमांड करते हो, 2D और ट्रिग्नोमेट्री पे भी कमांड करते हो तो भी 35 सवाल करके निकल जाओगे बाहर। तो ये वेरिएशन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। देखो आगे, इधर अपना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसी में देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करोगे, मैंने अभी भी की है, जनरली 4 to 5 क्वेश्चन ये अच्छा टॉपिक माना जाता है अपना। अच्छा टॉपिक का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है ये फिक्स हैं कि 5 क्वेश्चन तो हर साल पूछेंगे, वो 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, डैम श्योर, है ना।
और यहाँ पे जो है हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लें, 11, 12, 10, 8, 9 कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो हम मिनिमम टू मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो 4 to 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। उसमें मैं बात बता चुका हूँ आपको कि 2 क्वेश्चन तो आपको होगा ही होगा, कि आपको लगेगा कि मैं तो करूँगा ही करूँगा 2 क्वेश्चन तो, और एक आधा सवाल बहुत अजीब सा आता है कि नहीं बने, वो हो सकता है आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाओ। 2 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के होंगे, तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, अपने लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें भी, हमारे लिए अच्छा टॉपिक है ना। देखो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, 5th one, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। और इसमें हम बात कर लें, देखो एक बार, देखिए लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, सीमा सांतत्यता एवं अवकलनीयता। तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी की हम बात करोगे, हम बात करते हैं, अगर एक बार ध्यान से देखना आप लोग, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी, ये कैलकुलस का अपना बेसिक पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं वैसे, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी। तो ये एक में ही जनरली मेन जो बात होती है वो बात होती है लिमिट की। ये बहुत अच्छा बहुत प्यारा टॉपिक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो चाहे वो डिफ्रेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन हो, आप कहीं ना कहीं जो है बात करोगे लिमिट की ही। तो मैं बात करूँ यहाँ से कि लिमिट कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी जो है, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी जो है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं अपने लाइक 3 to 4, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 3 से 4 के बीच यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस जगह से 3 to 4। नेक्स्ट 20 डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन की बात करोगे, फंक्शन अपन ले चुके हैं ऑलरेडी ना, डिफरेंशिएशन की बात करोगे, डिफरेंशिएशन की ही नहीं हम दोनों की मिला के बात करते हैं, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन तथा फंक्शन की बात हो गई अपनी स्टार्टिंग में हो गई है ना, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ पे एक अकेला लिखा हुआ है, लेकिन हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या रेट चेंज, पहले दर परिवर्तन क्या पढ़ते हैं, रेट चेंज या दर परिवर्तन, एक तो ये पढ़ते हैं, हाँ या ना। सेकेंड वन जो पढ़ के आए वो आप लोगों सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, हमने पढ़ा है देखो 12th में ये सब, रेट चेंज एक पढ़ते हैं हम इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्धमान ह्रासमान पढ़ते हैं भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्धमान और ह्रासमान, मोनोटोनोसिटी एक दिष्ट था। थर्ड वन एक पढ़ते हैं हम इसमें, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। और फोर्थ हम पढ़ते हैं यहाँ पे देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये बात हम करते हैं, सही है क्या। देखो आगे फिर बढ़ते हैं कुछ आगे, तो ये दोनों जो है इन दोनों से मिला के लगभग लगभग ही मानो वही 4 टॉपिक्स से हो गए, एक वो हो गए, तो कोई वो नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ से कहूँगा कि अपने को 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं सारे सेक्शन से कम। फिर आ जाओ अपना आगे, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों को मिला के 7 to 8 क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया कोई वो नहीं है, यहाँ से कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना भी वेरिएशन वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन 6 इज एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया अंडर द कर्व्स की बात करते हो तो एरिया अंडर द कर्व्स में देखो एक बार, देखो यहाँ से एरिया अंडर द कर्व्स, तो एरिया अंडर द कर्व्स में वक्रों से घिरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये एक तरह से अपन ये मान के चले हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, वैसे ये एरिया अंडर द कर्व्स होता है, यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट वन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। वेक्टर अलजेब्रा, अगेन अ गुड टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक,
4 to 5 क्वेश्चंस तो कम से कम पूछते हैं, 4 से 5 सवाल, ज़्यादा कितने भी पूछ सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा से भी। सांख्यिकी, सांख्यिकी अलग से यहाँ पे जो है सारी बात होगी। सांख्यिकी से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं और कैलकुलेटिव ज़्यादा होते हैं वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है वो सब समझते हैं हम लोग, करेंगे बात अच्छे से। तो सांख्यिकी की बात करोगे, सांख्यिकी से 5 क्वेश्चन, 5 to 6 ये पूछा जाता है भाई यहाँ पे। ये अलग से ही टॉपिक भी है अपना अच्छे से, जो 11th 12th में हम लोग पढ़ते हैं, 11th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और ज़्यादा बात हम नहीं करते। यहाँ पे एक नया टॉपिक और होता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, समाज श्रेणी सहसंबंध। एक्चुअली वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, कॉमर्स का जो पार्ट होता है, बट हम लोग यहाँ पे करते हैं वो लोग और वो चीज़। तो 11th में वो बहुत कम दे रखा होता है, राजस्थान बोर्ड में तो यानी CBSE बोर्ड में होता है थोड़ा बहुत। जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स लोगे, उनमें आपको थोड़ा बहुत मिलेगा रिलेशन एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी भी वापस से 4 to 5 क्वेश्चन, 5 सवाल भी आते हैं, 6 भी आते हैं, 7 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, कितने भी क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, वेरिएशन है यहाँ पे। तो वेरिएशन वाले टॉपिक्स जो है मेनली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सेट रिलेशन फंक्शन जो स्टार्टिंग में फर्स्ट था अपना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर सकते हो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सब यहाँ पे पूरी बात करोगे तो सब में से कोई सेक्शन फिक्स नहीं है कि आपको अलजेब्रा को इतने क्वेश्चंस में लेना है, या आपको किसी में भी, आप कितना भी कोई सा भी टॉपिक है उससे आप ले सकते हो, क्वेश्चंस बन सकते हैं। जनरली वेक्टर, स्टेट्स, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, ये 5 या 6 टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने लिए। इनसे अच्छा खासा वेटेज होता है क्योंकि सबसे चार पाँच क्वेश्चन आते हैं। तो मेजर 5-6 टॉपिक तो ये कर ले और उधर से कोई से भी 2 सेक्शन कर लें, लाइक 2D कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, ये तो अच्छे से कर लें। और बाकी मैंने ये बताया ही आपको कि सारे टॉपिक्स हमें पढ़ के जाने। तो यही था सिलेबस के बारे में। तो सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग जो है अच्छे से तैयार हो जाएं, सब लोग पढ़ाई करने के लिए। हम लोग यहाँ पे अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्लासेस होंगी सब जो है सब बेस एग्ज़ाम पे ही होगी, जो एग्ज़ाम जिस बेसिस पे होता है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमें वहाँ पे चाहिए वो सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर किए जाएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग भी जुड़ो हमारे साथ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं हम जब भी होता है, जब भी रहता है। थैंक यू सो मच।